बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम कर रहे हैं मैथ्स में सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में हमने करना है आज डबल डिजिट की सब्ट्रैक्शन। तो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं डबल डिजिट्स 46 माइनस 23। हमने 46 में से 23 को माइनस करना है, और इसका तरीका तो बच्चों आप सबको पता है, बहुत आसान है। पहले हम अपने वंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने टेंस के कॉलम में आएंगे, और जो नंबर टेंस के कॉलम में लिखे हैं फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वंस के कॉलम में देखते हैं, हमारे पास है 6 माइनस 3। बच्चों सब्ट्रैक्शन डबल डिजिट्स की हो या थ्री डिजिट्स की, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, ये बहुत आसान होता है। हम क्योंकि वन बाय वन कॉलम करते जाते हैं, जैसे हमने अभी सिर्फ 6 में से 3 को माइनस करना है, तो हम उसको देखते हैं कितना आसान तरीका है। यहाँ पर एप्पल ट्री है, उस पर 6 एप्पल्स लगे हुए हैं। वन एप्पल गिर गया, टू थ्री, थ्री एप्पल्स गिर गए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एप्पल ट्री पर कितने एप्पल्स रह गए हैं। वन टू एंड थ्री, थ्री एप्पल्स रह गए हैं। 6 एप्पल में से 3 एप्पल्स नीचे गिर गए, तो ऊपर रह गए 3 एप्पल्स। तो हम यहाँ पर अपना 3 एप्पल्स लिख देंगे। बच्चों अब हम देखेंगे अपना टेंस का कॉलम। ये टेंस के कॉलम में 4 माइनस 2 है, और हमारे पास एक एप्पल ट्री पर 4 एप्पल्स लगे हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से अगर हम 2 एप्पल्स तोड़ दें तो पीछे कितने रह जाएंगे। 1 2, 2 एप्पल्स टूट गए। अब हम देखते हैं इसमें रह गए हैं 1 एंड 2 रह गए हैं। हमारे पास 2 एप्पल्स रह गए हैं, तो हम अपना यहाँ पर लिख देंगे 2 एप्पल्स जी। तो देखा बच्चों आपने कि डबल डिजिट की सब्ट्रैक्शन हो या सिंगल डिजिट की, बहुत आसान होती है, क्योंकि हम इसको कॉलम बाय कॉलम, वन बाय वन कॉलम, इनको इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने वंस का कॉलम किया, उसके बाद टेंस का कॉलम किया, और हमारे पास आसानी से सब्ट्रैक्शन का आंसर आ गया। बच्चों इसी तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस करने हैं। पहले अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो है 65 माइनस 34। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना, पहले हम अपने वंस के कॉलम को देखेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और इसी तरीके से अब हम टेंस के कॉलम में जाएंगे, टेंस में है 6 माइनस 3, हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। बच्चों कितनी आसानी से हमने 65 में से 34 को माइनस करके आंसर निकाल लिया है 31। इसी तरीके से आपने अपने बाकी क्वेश्चंस को भी डन करना है।